इस एपिसोड में हम अपनी ईस्टर्न कोस्टल राइड जर्नी को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे पांडिचेरी से रामेश्वरम की तरफ, और इस एपिसोड में हम पांडिचेरी से चिदंबरम और नागपट्टिनम होते हुए पहुंचेंगे वेलंकनी बीच तक। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा पांडिचेरी का ट्रिप, और आपने अगर इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। निकल पड़े हैं अभी हम पांडिचेरी से, और सबसे पहले यहाँ से जाएंगे चिदंबरम और फिर नागपट्टिनम। चिदंबरम यहाँ से है केवल 64 किलोमीटर और नागपट्टिनम टोटल है 150 किलोमीटर, और चिदंबरम में हम लोकल साइड सीन्स भी कवर करेंगे और उसके बाद पहुँचेंगे रात तक नागपट्टिनम। कल सुबह हम कवर करेंगे वेलंकनी बीच और चर्च। तो ये है आज का पूरा टूर प्लान, और निकल तो पड़े ही हैं, सफ़र शुरू हो चुका है इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। अभी लिया है हमने एक छोटा सा ब्रेक, बाइक ट्रिप का यही तो मज़ा है, जहाँ आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो या फिर दिखे एक खूबसूरत सा व्यू, वहाँ पर आप अपनी बाइक रोक के ऐसे बैठ सकते हैं। और अभी हमको लगी थी थोड़ी सी भूख, तो थोड़ा नाश्ता करने के बाद फिर चलेंगे यहाँ से आगे। साउथ इंडिया आए हैं तो एक ड्रोन शॉट तो बनता ही है, और इतनी खूबसूरत हरी भरी जगह है, आप देखिए यहाँ का एक ड्रोन शॉट, फिर हम चलते हैं आगे। तो आज सुबह हम निकल चुके थे पांडिचेरी से नागपट्टिनम जाने के लिए, और बीच में पड़ता है चिदंबरम, एक छोटा सा शहर है। तो अभी हम वहाँ रुके हैं, और वहाँ से 14 किलोमीटर पहले पड़ती है पिचक्रम लेक, जो कि है मैंग्रोव फॉरेस्ट लेक, और अभी हम जाएंगे इसमें बोट राइड लेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे एक नटराज टेम्पल में जो कि मेन सिटी चिदंबरम में, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नागपट्टिनम जाना है कि नहीं जाना। तो आइए सबसे पहले लेते हैं इस बोट राइड का मज़ा। अभी हमने बुक की है ये वाली बोट, और इस बोट को बुक करने का 400 रुपये लगता है, पूरी बुक हो जाती है बोट आप कितने भी जने हो, लेकिन रेंट 400 रुपये ही लगेगा। तो अभी फ़िलहाल अभी हम हैं 3 जने और हमने पूरी बोट को हायर किया है। तो इस तरफ से आता है कावेरी नदी का पानी, और होते हुए आगे जाके समुद्र में मिल जाता है। तो अभी हम ले रहे हैं मज़े इस बैक वाटर्स में चिदंबरम की, और यहाँ पर 2-3 बोट आपको मिल जाएगी, एक मोटर बोट,
एक ये मैनुअल बोट जिसको पैडलिंग से चला रहे हैं और एक फॉरेस्ट की बोट है जो आपको फॉरेस्ट के अंदर ले जाती है। जो आवाज़ सुन रहे हैं मेरी पीछे मोटर बोट की है जो फॉरेस्ट की तरफ ले जा रही है और 400 1800 और करीब 2000 तक का फेयर आपका लग सकता है। देख रहे हैं मेरे पीछे आप, ये इतना घना गहरा जंगल और बहुत ही खूबसूरत जंगल लग रहा है। रास्ता भी काफ़ी छोटा है, एक बार में एक ही नाव जा सकती है और नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। और इतने टाइम के बाद मैं साउथ इंडिया में कहीं आके बोट राइड कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले आया था चेन्नई में, हमने बोट राइड की थी, लेकिन उस राइड में और इस राइड में जो फ़र्क है वो आपको आने के बाद ही पता पड़ेगा। अच्छा, वो 1 किलोमीटर वाला होगा वो बस लिखते RL। टोटल बोट 50 बोट है, आधा बोट अंदर चलेगा आधा बोट। हम पहुंच गए हैं मेन चिदंबरम सिटी में और जा रहे हैं नटराजन टेंपल की तरफ। और नटराजन टेंपल के 4 मेन प्रवेश द्वार हैं, जो अभी हम जा रहे हैं जो साउथ जो दक्षिण द्वार है वहाँ उस तरफ जा रहे हैं, उस गेट से हम एंट्री लेंगे क्योंकि वहाँ थोड़ा रश कम होता है। तो अब हम पहुंचे हैं चिदंबरम के दूसरे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो कि है ये नटराजन टेंपल। मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचा और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये नटराज भगवान जो कि शिव जी का मंदिर है। अभी हम देखते हैं, दर्शन करते हैं इस मंदिर के, फिर चलते हैं आगे। तो अब हम आ गए हैं चिदंबरम के इस दूसरे पॉइंट पे जो कि है नटराजन टेंपल। ये खूबसूरत मंदिर आप मेरे सामने देख रहे हैं, नटराजन टेंपल है। यूं तो साउथ इंडिया के सभी मंदिर अपने खूबसूरत आर्किटेक्ट के कारण जाने जाते हैं, उसी प्रकार भगवान नटराजन का यह मंदिर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत और भव्य है। यह मंदिर करीब 40 एकड़ एरिया में बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण ऊंची ऊंची शिलाओं और पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर के बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब भी है। अभी हम निकल पड़े हैं चिदंबरम से नागापट्टनम की तरफ और ये केवल यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग, अभी हम हैं नागापट्टनम में। कल चिदंबरम कवर करने के बाद रात को हम 10 बजे करीब यहाँ नागापट्टनम पहुँच गए थे और होटल ले लिया था और अब सुबह सुबह बिल्कुल रेडी हैं। अभी समय हो रहा है 11:30 और अब हम निकलेंगे यहाँ से रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम की दूरी यहाँ से करीब है 265 किलोमीटर की, लेकिन बीच में एक वेलंकनी बीच आएगा, बहुत ही खूबसूरत बीच है, हम उसको कवर करते हुए
जाएंगे रामेश्वरम की तरफ, और रामेश्वरम में हमको करीब करीब 6 से 7 घंटे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहुंच जाएं, 265 किलोमीटर की दूरी कवर कर लें। बीच में रुकते हुए फोटो खींचते हुए और रास्तों को एंजॉय करते हुए पहुंचेंगे रामेश्वरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी और फिर मिलते हैं रास्ते में वेलिंगनी बीच और रामेश्वरम में फिर आपसे। तभी हम पहुंच गए हैं वेलिंगनी बीच पे और काफ़ी क्राउडेड एरिया है, काफ़ी भीड़ हो रखी है, आज संडे का दिन है और बहुत बड़ा यहाँ पर चर्च भी है थोड़ा सा समुद्र के आगे जाके किनारे पर, और इतनी ज़्यादा रश हो रखी है आज इस बीच पे, वेलिंगनी बीच पे। वेलिंगनी बीच नागापट्टिनम से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ये इस एरिया का काफ़ी फेमस बीच है क्योंकि इस बीच के किनारे है मदर मैरी चर्च जो कि क्रिश्चियनों का बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सभी धर्म के लोग भी आते हैं। आज संडे होने की वजह से काफ़ी रश है और आसपास के काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। लोगों की यहाँ मन्नत पूरी होने पर लोग अपने बाल भी यहाँ पर दान करते हैं, मतलब मुंडन करवाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर दान किया जाता है जिसके लिए एक अलग से पूरा दान का म्यूजियम बना गया है जहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी गई है जो इस चर्च में चढ़ाई गई है। अब हम पहुंच चुके हैं वेलिंगनी बीच के साइड में इस मदर मैरी चर्च में। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर ये चर्च है मेरे पीछे आप देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आज रश हो रही है क्योंकि संडे है, संडे का टाइम है और बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान भी है क्रिश्चियंस के लिए। काफ़ी आज रश का समय है, अभी हम चलते हैं चर्च के अंदर और करते हैं दर्शन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स को। ये खूबसूरत वेलिंगनी बीच और वेलिंगनी चर्च देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से रामेश्वरम के लिए जो कि रह गया केवल 246 किलोमीटर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में जहाँ हम होंगे रामेश्वरम में और फिर घूमेंगे पूरा रामेश्वरम लोकल सिटी और उसके आसपास के लोकल जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट होंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग्स आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड रामेश्वरम में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।